सीरिया में तुर्की की ओर से की गई गोलीबारी और हवाई हमलों में करीब 35 नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आईएसआईएस के जिहादियों और कुर्द मिलिशिया के खिलाफ हमले के पांचवें दिन ये हुआ है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि दक्षिण जारबुलुस के एक गांव जेब अल कुस्सा में 28 अगस्त की सुबह को तुर्की की ओर से की गई गोलीबारी और हवाई हमलों में कम 20 नागरिक मारे गए और 50 अन्य जख्मी हो गए। ब्रिटेन आधारित समूह ने कहा कि बमबारी में 4 स्थानीय लड़ाके भी मारे गए हैं। इसने ये भी रिपोर्ट दी कि जारबुलुस के दक्षिण में अल अमरन शहर के पास तुर्की के विमानों की बमबारी में अन्य 15 नागरिक मारे गए हैं और 25 जख्मी हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। सीरिया में यूफ्रेट्स शील्ड शुरू करने के बाद तुर्की की सेना को 27 अगस्त को पहली बार जान का नुकसान झेलना पड़ा, जिसके बाद ये मौतें हुई हैं। ऑब्जर्वेटरी ने कहा कि बमबारी जारबुलुस के दक्षिण के एक इलाके में हुई, जो पहले इस्लामिक स्टेट समूह का गढ़ था, जिसे तुर्की की अगुवाई वाले बलों ने हमले के पहले दिन कब्जे में ले लिया था। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।